वैक्सीन की कमी पर बोलते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की इन बातों से तो साफ है कि वैक्सीन की किल्लत आम बात है, कभी कमी होती है कभी नहीं होती है। वैशाली जिले के महुआ में परिजनों से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कोरोना वैक्सीन के महत्व का बखान शुरू किया, लेकिन जब आखिर में पत्रकार ने सवाल किया तो जवाब में झेपते दिखे उपेंद्र कुशवाहा। हर सरकार की तैयारी, हर तरह से कोशिश जारी है और पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई दूसरे वेव में भी ऑक्सीजन वगैरह की कमी, तो उस पर विभाग सरकार सब लोग अलर्ट हैं, उस पर भी ध्यान है। और साथ ही साथ तीसरा फेज नहीं आ गए, इसमें सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं हो सकती, आम लोगों को सजग होना पड़ेगा। आम लोगों को अभी भी हम देखते हैं कि लोग लापरवाह दिखते हैं, लापरवाह नहीं होना पड़ेगा, इसी गंभीरता को समझना पड़ेगा। मास्क लगाकर चलना, बाहर में कहीं गए तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, बहुत भीड़ में एक साथ जमा नहीं होना, वैक्सीन लेना, सबसे अंतिम तो अल्टीमेट उपाय है वैक्सीनेशन। तो अधिक से अधिक लोग जल्दी से जल्दी जिनकी जो पात्रता है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन ले लें, इसकी ज़रूरत है। सरकार और लोग सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तभी तीसरी लहर से बचा जा सकता है। दो दिन से कोरोना का वैक्सीन जो है नहीं है अस्पताल में, अब होगा नहीं है तो आ जाएगा, तो कहीं रहता है, कभी कमी हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा ने वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के दावे का बखान शुरू किया और कहा कि कोरोना के इस दौर में जब सबको जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, लेकिन तभी सामने मौजूद एक पत्रकार ने नेताजी के सामने दो दिनों से वैक्सीन नहीं मिलने की बात कह दी। वैक्सीनेशन के दावे की पोल खोलने वाले सवाल से नेताजी सब पका गए। तक पकाए हुए उपेंद्र कुशवाहा ने झेपते हुए बात कन्नी काट ली कि अच्छा नहीं है तो आ जाएगा। हर सरकार की तैयारी, हर तरह से कोशिश जारी है और पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई दूसरे वेव में भी ऑक्सीजन वगैरह की कमी, तो उस पर विभाग सरकार सब लोग अलर्ट हैं, उस पर भी ध्यान है। और साथ ही साथ तीसरा फेज नहीं आ गए, इसमें सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं हो सकती, आम लोगों को सजग होना पड़ेगा। आम लोगों को अभी भी हम देखते हैं कि लोग लापरवाह दिखते हैं, लापरवाह नहीं होना पड़ेगा, इसी गंभीरता को समझना पड़ेगा। मास्क लगाकर चलना, बाहर में कहीं गए तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, बहुत भीड़ में एक साथ जमा नहीं होना, वैक्सीन लेना, सबसे अंतिम तो अल्टीमेट उपाय है वैक्सीनेशन। तो अधिक से अधिक लोग जल्दी से जल्दी जिनकी जो पात्रता है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन ले लें, इसकी ज़रूरत है। सरकार और लोग सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तभी तीसरी लहर से बचा जा सकता है। दो दिन से कोरोना का वैक्सीन जो है नहीं है अस्पताल में, अब होगा नहीं है तो आ जाएगा, तो कहीं रहता है, कभी कमी हो जाती है। दरअसल बिहार में टीकाकरण महाअभियान शुरू किया गया है, जिसमें 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस महाअभियान की शुरुआत के बावजूद कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीके की किल्लत और हंगामे की खबर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा वैशाली के महुआ में जहां पहुंचे थे, वहां 2 दिनों से वैक्सीन नहीं आने की वजह से टीकाकरण ठप पड़ा हुआ था, जिस पर किए गए सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा को झेपना पड़ा। ये थी वैशाली से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।